हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आप सब 10th क्लास के एग्जाम्स दे करके 11th क्लास में प्रमोट हो गए हैं. तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स. और इकोनॉमिक्स में अभी तक आपको दो बुक्स पढ़ने मिलेंगी, जो कि एक होगा पार्ट जिसमें आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक सेकेंड पार्ट होगा जो कि आपका कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट होगा, वो होगा स्टैटिस्टिक्स. तो आज के लिए हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की बुक से जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स. चलिए शुरू करते हैं. चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विच इज चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन होगा. इस टॉपिक का नाम, इस लेसन का नाम होगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. तो बिफोर वी मूव फॉर इकोनॉमिक्स, लेट मी टेल यू व्हाट इकोनॉमी इज. एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट ईदर फैसिलिटेट्स और प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी. देखिए, जैसा कि इकोनॉमी की डेफिनेशन बता रही है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक वो सिस्टम या एक वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंस्टीट्यूशन जो कि आपको फैसिलिटीज प्ले करती है, या फैसिलिटीज या फिर प्रोडक्शन या सर्विसेज के लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो जो वो प्रोड्यूस भी करती है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है. प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्लीटली उन चीजों को प्रोड्यूस भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है. और किन चीजों को? गुड्स एज वेल एज सर्विसेज को, यानी कि प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज को. तो आपको इकोनॉमी बेसिकली तीन पार्ट्स में कैटेगराइज है. इकोनॉमी एक्चुअली किसी भी कंट्री का एक फाइनेंशियल सिचुएशन या किसी भी एक कंट्री की अंदर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है उसको हम बोलते हैं. तो इकोनॉमी को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, तीन डिविजन्स होते हैं, यूं कहें तीन टाइप्स की इकोनॉमी होती है. सबसे पहले आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी या जो भी चीजें ऑर्गेनाइज या डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी वो सारी की सारी इंडिविजुअल्स के थ्रू की जाएंगी, यानी पब्लिक के हाथ में सारा कुछ सपोर्ट होता है. नेक्स्ट आता है दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. जैसे कि आप जापान में देखते हो या फिर कुछ और ऐसी कंट्रीज में आपने देखा होगा जहां पर अभी भी राजा महाराजाओं वाला राज चल रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ही सारी चीजों की अंडरटेकिंग लेती है, गवर्नमेंट ही जितनी भी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन सेक्टर है उसको ओवरटेक करता है और वही उन सब चीजों को पोजेस भी करता है. सी दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें एक हमारा कंट्री भी है इंडिया, जिसमें कि क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कुछ रोल प्ले करती है एज वेल एज इंडिविजुअल्स का भी कुछ रोल प्ले होता है, यानी कि कुछ कंपनीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है. यानी सिस्टम जो है, जो कैपिटलिस्ट या यूं कहें कि इकोनॉमी को बैलेंस करने का जो काम है वो आपकी गवर्नमेंट करती है. और ऑन अ कंट्ररी साइड आपका जो इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करती हैं या फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती हैं एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. तो ये गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करती हैं. चलिए, तो हमने इकोनॉमी को अच्छे से समझ लिया. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं. इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ SST, यानी SST का मतलब सोशल साइंस. सोशल साइंस की ही एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स. फोकसेस ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि इस चीज पे फोकस करती है कि क्या चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं और उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है एज वेल एज कंजम्पशन होना चाहिए, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का. तो चलिए इकोनॉमिक्स के पार्ट पर, इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो आया कहाँ से. इकोनॉमिक का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड, जो कि कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, इको एज वेल नॉमिक. इको का मतलब होता है होम, एज नोमोस का मतलब हो गया अकाउंट्स, होम अकाउंट्स. एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यानी एक जनरल हाउसहोल्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनको अपने घर के डेली बेसिस के एज वेल एज मंथली एनुअल बेसिस के ऊपर अपना रिकॉर्ड कीपिंग या अपना अकाउंट्स कीपिंग करना पड़ता है. आप कंज्यूमर हैं, आपको अपने पूरा मंथ का अकाउंट्स कीप करना पड़ता है कि इस मंथ में मैंने कितना खर्चा करना है, किन किन चीजों पे करना है, वो सब अकाउंट कीपिंग जो होता है वो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है. इकोनॉमी मैंने आपको समझा दिया, एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से कंबाइन होकर के बना है, इको प्लस नोम्स. चलिए अगले पार्ट पर आते हैं. इकोनॉमिक्स इज अ फंडामेंटल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू लार्ज पॉपुलेशन एंड विद अल्टरनेटिव यूजेस. देखिए, आप इस चीज को समझने से पहले आपको इकोनॉमिक की दो प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है. देखिए, पहला प्रॉब्लम जो है दैट इज स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम. वर्ल्ड वाइड आपको पता है कि रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड है, वेदर इट इज कोल, वेदर इट इज पेट्रोलियम, वेदर इट इज वाटर, इट इज लैंड, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. और दूसरी जो चीज है वो ये है, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट हैव अल्टरनेटिव यूजेस एज वेल. यानी कि रिसोर्सेज सिर्फ
केयर यानी लिमिटेड ही नहीं है, उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी है। जैसे हम देखते हैं कि कोल को एक जनरल एग्जांपल या पेट्रोलियम को एक जनरल एग्जांपल पे ले लेते हैं, तो पेट्रोल से आपकी गाड़ियां भी चल रही हैं, आपके हाउस होल्ड्स वगैरह में भी काफी हद तक यूज हो रहा है, आपके पेट्रोल से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है बिल्ड किए जाते हैं। कोल को ले लो, कोल में आप अपने इलेक्ट्रिसिटीज को भी जनरेट करते हो, कोल से आप इंडस्ट्रीज में भी यूसेज देख रहे हो। वाटर को देख लो, वाटर आपके हाउस होल्ड में, वाटर तो एक जनरल एक प्रॉपर्टी है जो नेचर में अवेलेबल है आपको। वाटर के वेरियस यूजेस को ही आप देख लो, यानी कि आपके पास में सबसे पहली चीज तो ये है कि स्केयरसिटी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ दैट रिसोर्सेज, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो लैंड एरिया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, जो भी चीजें हैं वो आपके पास में लिमिटेड है। और दूसरी चीज, वो लिमिटेड होने के साथ साथ उनके यूजेस भी क्या है आपके लिए, अल्टरनेटिव, यानी कि अलग अलग तरीके से आप उन चीजों को यूज कर सकते हो। तो ये दो जो बेसिक चीजें हैं उनको ध्यान रख करके उसको स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा आपका, इकोनॉमिक्स। चलिए एक और पॉइंट पर आते हैं अब हम, जो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ओरिजिनली एडम स्मिथ की बुक में इकोनॉमिक्स को ट्रेस किया गया था इन द अर्ली ईयर्स, जो कि एक डेफिनेशन देता है, दैट इज इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकसेस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट आवर इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज एट माइक्रो एज वेल एज अ मैक्रो लेवल। देखिए माइक्रो और मैक्रो लेवल को मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना जरूरी है कि एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के लिए, उसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा मैटर है जिसमें हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकें उन स्केयर रिसोर्सेज का, जो कि हमारे पास में लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन उसके बावजूद भी उन स्केयर रिसोर्सेज का हमें इस तरीके से यूज करना है कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या मैक्सिमम गेन हम अपनी पॉपुलेशन को दे सके। चलिए यहां पर आप करके मैंने आपको एक डेफिनेशन दी है, वैसे स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो एक और डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हो। अगेन अ डेफिनेशन इज गिवन बाय रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वेयर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मींस, एंड्स एंड स्केयर मींस मतलब स्केयर रिसोर्सेज एज वेल एज एंड नीड्स। यहां पर एंड्स का मतलब नीड्स से है कि यानी कि जो भी रिसोर्सेज स्केयर थे उसके अल्टरनेटिव यूजेस जो इंडिविजुअल्स के लिए मैटर करते हैं, एंड दैट स्केयर means have alternative uses, जो उनकी needs थी, जो scarce resources और individuals की needs थी उसके alternative uses, ये Robbins के according definition है। तो अब इन दो डेफिनेशन से हमने समझा कि इकोनॉमिक्स का जो हमारा मैटर है वो कम्प्लीटली रिवॉल्व करेगा एक ही प्रॉब्लम पे, दैट इज रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, लिमिटेड रिसोर्सेज के होने के बावजूद आपको क्या करना पड़ेगा, उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस को भी चेकआउट करना पड़ेगा और उनमें से भी उन रिसोर्सेज उन यूजेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, उन अल्टरनेटिव यूजेस की तरफ में ज्यादा मूव करना पड़ेगा जो कि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब एक बात आ जाती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है, ये हम कैसा पता लगाएं। तो इसके लिए हमने इकोनॉमिक्स को दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल। आपकी इकोनॉमी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एट माइक्रो लेवल जिसमें कि आपके इंडिविजुअल्स आते हैं यानी कि कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स के लिए उनका सेटिस्फेक्शन लेवल किस चीज पे लाई करेगा, उनको जो भी प्रोडक्ट्स वो खरीद रहे हैं उसके ऊपर उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। लेकिन वहीं ऑन अ कॉन्ट्रेरी साइड प्रोड्यूसर्स के लिए उनका सेटिस्फेक्शन किस चीज पे लाई करेगा, कि जिस भी चीज को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस भी चीज को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो। अगला एक पॉइंट आता है, दैट इज मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल में इकोनॉमी एज अ होल के मैक्सिमाइजेशन की हम बात करेंगे, इकोनॉमी के वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की हम बात करेंगे, यानी कि रैपिड पीस एंड इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में हम इसमें सोचेंगे, जो कि हम पॉसिबल कर पाएंगे तब जब हमारे कंज्यूमर्स की नीड सेटिस्फाई होगी एज वेल एज हमारे प्रोड्यूसर्स की नीड सेटिस्फाई होगी और उन लोगों की भी नीड्स को हम कंप्लीट कर पाएंगे जो इन दो ग्रुप्स के अलावा भी छूट जाते हैं। चलिए इस बड़े पार्ट को समझने से पहले एक बार इकोनॉमिक्स के ओवरव्यू को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द फंडामेंटल फैक्ट। फैक्ट क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केयर है, एंड सेकंड इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये तो हमारे पास है फैक्ट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये है कि जो द प्रॉब्लम ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को हम अलग अलग तरीके से हमें स्टोर करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट क्या है, आप भी चाहते हो कि आपको भी पानी
पूरी मात्रा में मिले और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी पानी पूरी मात्रा में मिले। आप एक कंज्यूमर हो और मैं एक इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर रही हूँ, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि कंज्यूमर्स को अभी हमें सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा एज वेल एज हमारे लिए इंडस्ट्रीज भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि आपके पास में एक ही रिसोर्स विच इज वाटर, वाटर के अल्टरनेटिव दो यूजेज हो गए और हमें उसको मैनेज भी करना है, हमें प्रोड्यूसर्स को भी सेटिस्फाई करना है एज वेल एज कंज्यूमर्स को भी सेटिस्फाई करना होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अभी हमने इकोनॉमिक्स को तो समझ लिया, इकोनॉमिक्स के जो दो सब पार्ट्स मैंने आपको बताए थे माइक्रो एज वेल एज मैक्रो उसको समझते हैं। चलिए इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव टर्म्स में बताऊंगी कि माइक्रो क्या है एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है। देखिए इसमें क्या होता है, फोकस ऑन इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। इंडिविजुअल पार्ट्स का क्या मतलब हो गया, एज अ कंज्यूमर देखिए यहाँ पर हाउ हाउस होल्ड एंड फर्म, फर्म का मतलब हो गया आपका कंपनी, यहाँ पर हाउस होल्ड का मतलब हो गया कंज्यूमर्स। इन दो पार्ट्स को इसमें हम स्टडी करते हैं जो कि इंडिविजुअल पार्ट्स है, मेक्स डिसीजन एंड हाउ दे इंटरैक्ट इन स्पेसिफिक मार्केट। एक ही मार्केट जो आपके पास में अवेलेबल है उसमें कंज्यूमर और कंपनीज किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि कंपनीज को भी अपना प्रोडक्ट सेल करना है, वहीं कंज्यूमर्स को भी उन्हीं कंपनीज का प्रोडक्ट खरीदना है। लेकिन पॉइंट ये आ गया कि जिन कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट खरीदना है वो किस प्राइस पर विलिंग है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और कंपनीज जिनको वो प्रोडक्ट सेल करना है वो किस प्राइस पर विलिंग है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रही हूँ, मेरी कंपनी जो है वो आपके लिए क्या बना रही है, वाटर बॉटल्स बना रही है। वाटर बॉटल्स मेरी कंपनी बना रही है, मैं उसे सेल करना चाहती हूँ एट द प्राइस ऑफ ₹12। लेकिन एक कंज्यूमर मुझे जो रेडी है, मैं कंपनीज का प्राइस बोल रही हूँ, कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है एट द पॉइंट ऑफ ₹12 एंड लेकिन कंज्यूमर जो है उसी बॉटल को, उसी वाटर बॉटल को खरीदना चाह रहा है एट द पॉइंट ऑफ ₹10। तो ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन कंज्यूमर एज वेल एज कंपनीज, इसको हम समझने के लिए जो पॉइंट लेते हैं उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो इंडिविजुअल पार्ट्स को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ये समझ में आया आपको कि कंज्यूमर्स एज वेल एज फर्म उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ताकि फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को, जिस अमाउंट को वो पे कर रहा है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, उस अमाउंट को कंप्लीटली यूज कर सके, ये दोनों का सेटिस्फेक्शन को हम स्टडी करेंगे इसमें। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल को हम स्टडी करते हैं, जिसमें इकोनॉमी के वाइड रेंज को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वाइड फिनोमिना को स्टडी करते हैं, जिसमें क्या आता है आपका इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इकोनॉमी का ग्रोथ, ये सारी चीजों को हम कवर करते हैं। तो चलिए आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बेसिक बेसिक पार्ट्स में समझ लिया, आप थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं। कंज्यूमर्स और फर्म इन दोनों को अपने प्राइस चेंज या अपने प्रॉफिट एज वेल एज सेटिस्फेक्शन मोटो के लिए काम करना होता है। लेकिन हमें समझना ये है कि इन चीजों को समझने के लिए हमें कौन कौन सी सेट्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन सी थ्योरीज हेल्प करेंगी। तो इकोनॉमिक्स में उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज या बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है सेट फॉर्मेट में बिल्ड किए गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। कंज्यूमर्स बिहेवियर के लिए है द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स क्या करते हैं, डिमांड ही रेज करते हैं। प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमने एक थ्योरी निकाली है, दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई, क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उसको कंज्यूमर्स को सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट आया जो इन दोनों चीजों को मिल करके स्टडी करता है, यानी कि आप स्टडी मार्केट को स्टडी करते हो जिसमें अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल होते हैं, एंड स्टडी द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, मनी हो गया, जो सारी चीजें कौन लगाता है, प्रोड्यूसर लगाता है। प्रोड्यूसर के बिहेवियर में जो सारी चीजें आ जाती हैं उनको हम यहाँ स्टडी करेंगे, कंज्यूमर के बिहेवियर में जो सारी स्टडीज आ जाती है उनको हम मार्केट में देखेंगे, यानी मार्केट में अलग अलग कॉम्पिटिटर्स होते हैं। इन दोनों स्टडीज के कॉम्बिनेशन को जो एक थ्योरी का नाम दिया है हमने, वो दिया है हमने प्राइस थ्योरी का। प्राइस थ्योरी में क्या होता है कि कंज्यूमर्स भी मार्केट को स्टडी करते हैं कि उसी प्राइस के ऊपर कौन कौन से अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स उनको अवेलेबल हैं, जबकि प्रोड्यूसर्स भी क्या करते हैं, उस चीज को स्टडी करते हैं कि आपके पास में कौन कौन से सोर्सेस, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं लेबर एंड कैपिटल के अलावा, आपके पास में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जज कर रहे हैं। उन सब चीजों को कंपेयर करके वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, यानी कि जो मैंने आपको 12 और 10 वाला एग्जाम्पल समझाया था बच्चों, कि ₹10 के ऊपर कंज्यूमर्स रेडी हैं लेकिन
₹12 के ऊपर प्रोड्यूसर रेडी है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो वो चीज जो प्राइस उनका डिटरमाइन होगा, 11 पे होगा, 12 पे होगा या 10 पे होगा, जो भी प्राइसेस डिटरमाइन होगा वो इस थ्योरी के अंडर आता है। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं, दैट इज आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक पार्ट से हमने खत्म कर लिया था, उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेलिंग में आते हैं। इसमें हम कौन कौन सी चीजों को स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं एडी। एडी का मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड। अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि इस बार हम सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने वाले हैं। अभी आपका सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो गया है, तो अर्लियर पहले होता था कि आपके पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स होता था और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका 12th क्लास का पार्ट जो है, माइक्रो एंड मैक्रो ये दोनों के दोनों पार्ट्स जो है आपके 12th क्लास में होते थे। अभी सिलेबस जो है रिवाइज हुआ है कंप्लीटली, जिसके चलते आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो आपके पास में अब नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट जो आपको 12th क्लास में पढ़ने मिलेगा, तो मैं इसके पॉइंट्स को भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड करके आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक ओवरव्यू आप देख लीजिए। टू स्टडी एडी एग्रीगेट डिमांड, टू स्टडी एएस एग्रीगेट सप्लाई, और एडी और एएस का कॉम्बिनेशन जब इक्वलेंट आ जाता है तो उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास में थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यानी कि गैप ऑफ इकोनॉमी। आपके पास में इन्फ्लेशन की सिचुएशंस आएंगी, डिफ्लेशन की सिचुएशंस आएंगी, जहां पर आपके मनी वैल्यूज की मनी की वैल्यू अप एंड डाउन जाएगी। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर यानी कि आपके पास में जो इकोनॉमी में मल्टीपल प्रोड्यूसर्स होंगे। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्राइटेरिया, गवर्नमेंट का बजट, एक्सचेंज रेट ऑफ बीओपी, बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहां पर हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करते हैं।